नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी नए एपिसोड। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का शहर बिलासपुर हाईकोर्ट होने की वजह से न्यायधानी के नाम से जाना जाता है। दिनेश अपने परिवार के साथ बिलासपुर के जरहाभाटा के मंझवापारा में रहता था। वह अपने ही मोहल्ले की किशोरी वीना कौशिक को भगा ले गया था। ये भी कह सकते हैं कि वीना दिनेश के साथ जीने मरने की कसम खाकर अपने घर से हमेशा के लिए निकली थी और उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी थी। वीना के पिता जवाहर कौशिक अपनी पत्नी चमेली और बेटी वीना से अलग दूसरे मोहल्ले में रहते थे। सिर्फ माँ चमेली ही वीना की एकमात्र गार्जियन थी। वीना अभी 18 वर्ष की हुई थी कि उसे दिनेश से प्रेम हो गया। फिर एक दिन वह घर से बिना बताए गायब हो गई। दिनेश के पिता रविशंकर श्रीवास की हेयर कटिंग सैलून थी जिससे वे परिवार का भरण पोषण करते थे। दिनेश भी पिता की दुकान पर काम करता था। वह अल्पायु में ही पढ़ाई छोड़ चुका था। फिलहाल वह 21 वर्ष का था। दिनेश और वीना एक दूसरे का हाथ थाम कर घर से निकले तो कुछ दिन रायपुर में बिताने के बाद बिलासपुर आ गए। इस शहर में वह तिफरा में किराए का मकान लेकर रहने लगे। दिनेश एक सैलून में नौकरी करने लगा ताकि वीना की और अपनी जिंदगी को हसीन बना सके, लेकिन यह संभव न हो सका। दिनेश के पिता रविशंकर और माँ नूतन को यह पता चला कि बेटा वीना के साथ सुखपूर्वक रह रहा है तो वे मौन रह गए, लेकिन वीना की माँ चमेली मौन नहीं रह सकी। एक दिन जब दिनेश काम पर गया हुआ था तो वीना की माँ आ धमकी। वीना ने माँ को बैठाया, चाय पानी को पूछा, दोनों की बातचीत हुई तो चमेली आंसू बहाते हुए कहने लगी, बेटी तुमने ये क्या कर दिया, हमारी तो सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। वीना माँ की बातें सुनती रही। बातों बातों में चमेली ने पूछा, बेटा तुमने दिनेश से ब्याह कहाँ किया, गवाह कौन कौन थे। इस पर वीना का सिर झुक गया। वह बोली, माँ हमने अभी तक विवाह नहीं किया है। इस पर चमेली स्तब्ध रह गई, बोली, तुम बिना विवाह के दिनेश के साथ कैसे रह सकती हो, ये तो पाप है बेटी। वीना चुपचाप माँ की बातें सुनती रही। चमेली ने आगे कहा, तुम खुश तो हो ना, मैं तुम्हारी शादी दिनेश से ही करा दूंगी। ऊंच नीच तुम क्या जानो, औरत के लिए मंगलसूत्र और सिंदूर का बड़ा महत्व होता है। समाज में रहकर उसी के हिसाब से जीना पड़ता है और उसके नियम कायदे मानने होते हैं। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो पछताओगी। वीना कुछ दिन दिनेश के साथ रहकर समझ गई थी कि प्यार के शुरुआती आकर्षण वाले मीठे सपने जब हकीकत के कठोर धरातल पर टकराते हैं तब टूटकर किरचा किरचा बिखर जाते हैं। उसे माँ का सहारा मिला तो वह फट पड़ी और आंखों में आंसू लिए माँ की गोद में सिर रख कर रोने लगी। माँ ने उसे ढांढस बंधाया, फिर बोली, बेटा तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी तो कौन करेगा। वीना माँ की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगी। चमेली ने कहा, अच्छा अब तू दिनेश के साथ खुश है या नहीं, साफ साफ बता। वीना ने बहुत सोचा, फिर कहा, माँ मुझे लगता है कि मैंने भूल की है, मुझे दिनेश के लिए घर नहीं छोड़ना चाहिए था, बताओ अब मैं क्या करूँ। चमेली ने कहा, अच्छा अभी तुम मेरे साथ चलो, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। वीना तैयार हो गई। घर में ताला लगाकर उसने चाबी पड़ोस की एक महिला को दे दी। इसके बाद वह माँ चमेली के साथ घर मन्नाडोला चली गई। रात में जब दिनेश काम से घर लौटा तो वहाँ ताला लगा था। पड़ोस से पता चला कि वीना की माँ आई थी, वह उसे अपने साथ ले गई है। उसने घर का ताला खोला और चुपचाप लेट गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा फैला हुआ था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो दो पुलिस वाले खड़े थे। उन्हें देख दिनेश डर गया। पुलिस वाले उसे थाना सिविल लाइंस ले गए। एक पुलिस वाले ने उसे बताया कि उस पर वीना नाम की लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप है, केस दर्ज हो चुका है। ये सुनकर दिनेश घबरा गया। उसने पुलिस को बताया कि वह और वीना अपनी मर्जी से घर छोड़कर नई जिंदगी बसर करने के लिए निकले थे और तिफरा में किराए का मकान लेकर खुशी खुशी रह रहे थे। आज उसकी माँ चमेली यहाँ आए और बिना बताए उसे अपने साथ ले गई, लेकिन पुलिस ने दिनेश की एक नहीं सुनी। उसके खिलाफ थाने में भादमवी की धारा 363 के अंतर्गत वीना को बहला फुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
दिनेश गम का घूंट पी कर रह गया। वह ये भी साबित नहीं कर सका कि उसने वीना के साथ विवाह किया था। वैसे भी वीना से अपने पक्ष की कोई उम्मीद रखना बेवकूफी थी, क्योंकि अब वह अपनी माँ चमेली के प्रभाव में थी। वह वही कहती जो उसकी माँ चाहती। दिनेश के जेल जाने की खबर जब उसके घर वालों को मिली तो उन्होंने एक वकील से इस मामले की पैरवी कराई। फलस्वरूप वह 2 महीने में जेल से बाहर आ गया। जो होना था वह हो चुका था। दिनेश अब वीना को भुलाने की कोशिश करते हुए अपने परिवार के साथ रहने लगा। इसी बीच एक दिन गोल बाजार में उसे वीना मिल गई। दिनेश उससे जानना चाहता था कि उसने उसे किस बात की सजा दिलाई, इसलिए वह उसे एक कॉफी हाउस में ले गया। बातचीत हुई तो दोनों के गिले शिकवे शुरू हो गए। दिनेश ने वीना का हाथ पकड़कर कहा, वीना जो भी हुआ मैं उसे भूलने को तैयार हूँ। वीना ने आंखें नीची करके कहा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। दिनेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या गलत किया मैंने? तुमने मुझसे शादी नहीं की, मुझे प्यार के बहकावे में रखकर मेरा शोषण करते रहे। क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं था कि मुझसे विवाह करके अपने घर ले जाते? देखो वीना, मैंने जो भी किया तुम्हारी मर्जी से किया। मैंने कभी जबरदस्ती नहीं की, फिर भी तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा कर मुझे जेल भिजवा दिया, क्या ये सही था? तुम्हारी नीयत मुझे ठीक नहीं लगी। माँ ने मुझे बताया कि शादी के बाद लड़की को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तुम तो मुझे मंगलसूत्र और सिंदूर तक नहीं दे सके। अगर तुम मुझे छोड़कर भाग जाते तो मैं तो बर्बाद हो जाती, न इधर की रह जाती न उधर की। तुम मुझसे प्यार करते थे तो शादी क्यों नहीं की? दिनेश निरुत्तर रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसे वीना से ब्याह कर लेना चाहिए था। वह संभल गया, अच्छा मुझसे गलती हो गई, मैं अब तुमसे शादी करूंगा, ठीक है? वीना मौन बैठी थी। दिनेश ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम मुझ पर अविश्वास कैसे कर सकती हो? क्या मैं बेवफा हूँ? मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने को तैयार हूँ। इस पर वीना ने धीमे स्वर में कहा, मैं सोच कर बताऊंगी, एक बार गलती कर चुकी हूँ, इसलिए अब मैं दोबारा कोई गलती करना नहीं चाहती। बहरहाल दिनेश और वीना में सहमति बनी कि दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, तब कोई कदम उठाएंगे ताकि पहले की तरह कोई भूल ना हो। अब जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ कर उठाएंगे। दोनों एक बार फिर घर परिवार के बंधनों को भूलकर मिलने लगे, भविष्य के सपने बुनने लगे। वीना दिनेश के प्रभाव में आ गई थी। वह जब चाहता उसे एकांत में ले जाकर संबंध बना लेता और फिर उसे उसके घर छोड़ जाता। लेकिन इस बार भी चमेली दिनेश और वीना के बीच आकर खड़ी हो गई। इस बार कुछ ऐसा भयावह हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। 19 जून 2019 की सुबह दिनेश के मोबाइल की घंटी बजी। देखा वीना की कॉल थी। उसने कॉल रिसीव की। उधर से वीना चहकी, आज कोर्ट में तुम्हारी पेशी है ना? मैं कोर्ट आऊंगी और मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारे ही पक्ष में बयान दे दूंगी। वीना की बात सुनकर दिनेश श्रीवास खुश होकर बोला, मैं तुमसे कब से बोल रहा था कि आकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दो, लेकिन तुम टालती जा रही थी। मैं माँ के कितने प्रेशर में हूँ तुम नहीं जानते। माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। एक तरह से मैं घर में कैद सी हो गई हूँ। माँ मेरी हर गतिविधि पर निगाह रखती हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से कॉल की है और आऊंगी भी। माँ आज बाहर जाने वाली है ना? वीना ने ऐसे कहा जैसे उत्साह से भरी हो। चलो कम से कम तुमको सद्बुद्धि तो आए, दिनेश ने हंसते हुए कहा। 19 जून 2019 को पूर्वाहन लगभग 11 बजे दिनेश श्रीवास न्यायालय परिसर में पहुंच गया। अब उसे अपने वकील और वीना के आने का इंतजार था, लेकिन पता चला कि उसका वकील नहीं आएगा। पेशी की तारीख आगामी किसी दिन की ली जाएगी। इससे उसे बेचैनी होने लगी। थोड़ी देर में उसे वीना आती दिखाई दी, लेकिन वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी माँ चमेली भी थी। दिनेश श्रीवास ने वीना को अगली पेशी की तारीख बताकर कहा, हमारे वकील साहब बीमार हैं इसलिए नहीं आए, तुम्हें अगली बार आना होगा तभी बयान हो पाएगा। वीना कुछ कहती इससे पहले ही चमेली ने बातों का सिरा अपने हाथों में ले लिया। वह बोली, दिनेश बयान तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वीना का जीवन बर्बाद करके तुम खुश रह पाओगे? मैंने सुना है तुम कहीं और ब्याह करने की सोच रहे हो। नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे पिताजी बात चला रहे हैं, दिनेश ने बात घुमानी चाही। और तुम क्या करोगे? चमेली ने दिनेश से पूछा। मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं मालूम, मैं पिताजी को नाराज नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मुझे जेल से निकलवाया, मुझे माफ किया,
मुझे लगता है आपने ठीक ही किया जो वीना को उस दिन घर से ले आईं। बिना ब्याह हम लोगों का एक साथ रहना हमारे और हमारे परिवारों के लिए कलंक बन जाता, दिनेश ने नजरें झुकाकर कहा। मगर बेटा, चमेली ने प्यार से कहा, फिर तो वीना का भविष्य बर्बाद हो गया मानू, अब उसके साथ कौन शादी करेगा। ये सुनकर दिनेश कनखियों से वीना की ओर देखने लगा, बोला कुछ नहीं। चमेली बोली, मैं और मेरी बेटी दोनों कोर्ट में तुम्हारे हक में बयान दे देंगे, मगर तुम्हें वीना को सम्मान के साथ ब्याह कर उसे स्वीकार करना होगा। दिनेश चमेली की बात सुन अनसुनी करके दूसरी तरफ देखने लगा। चमेली को उसका ये व्यवहार बुरा लगा। उसने पुचकारते हुए कहा, दिनेश आज क्यों ना हम पिकनिक पर चलें? एक दूसरे से बातें भी हो पाएंगी और समझने समझाने का मौका भी मिल जाएगा, नहीं तो हमारे रास्ते अलग अलग तो हैं ही। चमेली की बात सुन दिनेश ने हामी भर दी। कोर्ट परिसर में से एक ऑटो लेकर तीनों पिकनिक मनाने और एक दूसरे को समझने के लिए चमेली के बताए उसलापुर सकरी की ओर निकल गए। 5 जुलाई 2019 को बिलासपुर सिटी के थाना सिविल लाइंस के दर्जनों बार चक्कर लगाने के बाद दिनेश श्रीवास के पिता रविशंकर वमा नूतन अंततः आईजी कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे। प्रार्थना पत्र में उन्होंने लिखा था, हमारा बेटा दिनेश श्रीवास विगत 19 जून 2019 से लापता है। हमें शक है कि उसके साथ कुछ अनिष्ट हो गया है। हमें ये भी अंदेशा है कि उसे गायब करने में हमारी पड़ोसी वीना और चमेली का हाथ है। हम दर्जनों बार सिविल लाइंस थाना प्रभारी से मिले और गुजारिश की कि हमारे बच्चे को ढूंढें, लेकिन वह हमें टालकर घर भेज देते हैं। आईजी प्रदीप गुप्ता अपने ऑफिस में बैठे थे। अर्दली ने अंदर जाकर रविशंकर और नूतन के नाम का पेपर दे दिया। उन्होंने दोनों को तत्काल बुलाया और सामने बैठा कर पूछा, बताए क्या बात है। इस पर दिनेश की माँ ने लिखा हुआ प्रार्थना पत्र उन्हें देकर निवेदन करते हुए कहा, साहब हमें न्याय दिलाएं, हमारा बेटा गायब है। नूतन ने आंसू बहाते हुए जब आईजी से थाने आने जाने की आपबीती बताई तो आईजी साहब नाराज हो गए। उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी सिविल लाइन्स से फोन पर बात की। उन्होंने थाना प्रभारी कलीम खान को डांटते हुए कहा, इस संवेदनशील मामले में 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज कर रिपोर्ट मेरे सामने पेश करें। आईजी प्रदीप गुप्ता के आदेश पर थाना सिविल लाइन्स में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी कलीम खान ने तत्काल 2 सिपाही भेजकर वीना और उसकी मां को थाने बुला लिया। दोनों थाने आई तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन वीना ने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि वह दिनेश श्रीवास से बहुत दिनों से नहीं मिली है। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगालने पर इस बात का खुलासा हो गया कि 19 जून तक दिनेश और वीना के बीच मोबाइल पर बातें हो रही थीं। एक सूत्र ने पुलिस को बताया कि 19 तारीख को तीनों कोर्ट में एक साथ दिखाई दिए थे। इसी सूत्र के आधार पर कलीम खान ने कोर्ट में लगे CCTV की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। एक फुटेज में तीनों को ऑटो में बैठकर जाते देखा गया। पुलिस को बहुत बड़ा सूत्र मिल गया था। इस पर जांच आगे बढ़ाई गई तो वीना की मां चमेली ने 19 जून 2019 को तीनों के पिकनिक जाने की बात स्वीकार करते हुए उसकी हत्या की बात स्वीकार कर ली। चमेली ने अपने बयान में बताया कि बेटी की जिंदगी बर्बाद होते देख वह परेशान रहने लगी थी। उसलापुर सकरी में पिकनिक के दौरान दिनेश श्रीवास ने जब स्पष्ट रूप से हाथ खड़े कर लिए कि अब वह वीना का साथ नहीं निभा सकेगा, तब उसने और वीना ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। दिनेश जब दोपहर को आंखें बंद करके लेटा था तो उन दोनों ने उसके सिर पर पत्थर दे मारा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। बाद में उन्होंने धारदार हंसिया से दिनेश का गला रेत दिया, साथ ही एक पत्थर मारकर उसका चेहरा विकृत कर दिया और उसे वहीं फेंक कर वापस आ गईं। दिनेश को कोई पहचान न सके इसलिए उसका मोबाइल वीना ने अपने पास रख लिया। पुलिस ने चमेली और वीना के बयान के आधार पर दिनेश की खोजबीन की तो उन्हें उसलापुर के कोकने नाला में दिनेश का क्षतविक्षत शव मिल गया। पुलिस ने वीना और चमेली को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ भादमवी की धाराओं 302, 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया। पूछताछ के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें सेंट्रल जेल बिलासपुर भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। वीना परिवर्तित नाम है। धन्यवाद।